प्लेसमेंट्स का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा, कुछ पता है आप लोगों को? एक्चुअली प्रैक्टिकल क्लासेस मिलती हैं एक हफ्ते में, लैब्स वगैरह कितने होते हैं? जैसे अगर किसी का कम से कम कितना परसेंटेज है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट? कम से कम नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के सामने। आपने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप एक बार उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का भी जिस तरीके से रिव्यू करते हो, अनबायस्ड होकर न्यूट्रल होकर, उस तरीके से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं इसको, कंपेयर कर रहे हैं बाकी कॉलेज से। तो हमने कहा ठीक है, इसका भी रिव्यू हम दे देते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए बीटेक सीएससी के कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप सारे लोग सीएससी से ही हो, राइट? कोर सीएससी है आपका? और सबका कोर सीएससी है या कोई स्पेशलाइजेशन मिली है आप लोगों ने? कोर सीएससी आपका, ठीक है। तो देखो, हमारे रिव्यू करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हम लोग केवल डायरेक्टली प्लेसमेंट्स पर नहीं जाते। हमारा तरीका होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप करके कॉलेज को रिव्यू करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हमने बनाए हुए हैं, उनके बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं किसी भी कॉलेज को। तो सबसे पहले आप मुझे ये समझाओ कि जो फैकल्टीज हैं आपके यहाँ पे, क्या केवल ऐसी ही फैकल्टीज हैं जिनके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, या कुछ ऐसी फैकल्टीज जिन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है? नहीं, कॉर्पोरेट में भी काम किया है और थियोरेटिकल सब नॉलेज है उन लोगों को। कितनी परसेंट फैकल्टीज होंगी ऐसी जिन्होंने, जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है? लगभग 80% या 80% श्योर हो आपकी 80% फैकल्टीज हैं ऐसी? जी, मतलब श्योर हो आप? जी। कितनी परसेंट फैकल्टीज होंगी जो कॉर्पोरेट से काम करके आएंगे? 70-80% श्योर हो आप? जी। आप भी? काफी सारे फैकल्टीज है जो IITN NITN है, ट्रिपल IITN है, ये सब मतलब ज्यादातर। तो फैकल्टीज का नाम बताओगे? जैसे रामनारायण है हमारे पाइथन के टीचर, वो NITN है। और फिर से HTML के भी है, वो भी NITN है। IITN जो है वो, और IITN के हैं जो हमारे मैकेनिकल के हैं शुभम सर। अच्छा। वो IITN है। अच्छा। और बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब अभी हमारे सिलेबस के मतलब अकॉर्डिंग मैं इतना ही जानता हूँ, तो इतना ही आपको बता सकता हूँ। कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है, कोई आइडिया है आप लोगों को? बताया उन्होंने प्रोफाइल में अपने, इंट्रोडक्शन में? हाँ, उनका खुद का मतलब रिसर्च पेपर भी उन्होंने लिखा था। फिर से वो क्या बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम बताया कहाँ पे काम किया है। जैसे आप लोगों ने बताया कि 80% फैकल्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो कुछ बड़ी कंपनीज में काम किया हो जिसका नाम आप लोगों को बताओ। हाँ, रामनारायण सर है जो पाइथन के, उन्होंने सी लैंग्वेज में वो कर रखी थी। सी लैंग्वेज के मतलब जो कंपनीज में काम करते हैं उसका मतलब उसमें काम कर रखा था। फिर से उनने जो प्रोफाइल अपना बनाया था उसमें अमेजोन की भी रिज्यूमे में डाली थी अपने। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे ये समझाओ आप लोग, यहाँ का कोडिंग कल्चर कैसा है? क्योंकि सीएससी में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का? कोडिंग कल्चर बढ़िया है, कोडिंग बढ़िया सिखाते हैं। कब से, कौन कौन से लैंग्वेजेस अभी तक सिखाया जा चुका है आप लोग? अभी तक सी लैंग्वेज सिखा चुके हैं और DBMS में MySQL में SQL सिखाई है, और अभी पाइथन चल रही है हमारी, और HTML CSS सिखा चुके हैं, अब जावास्क्रिप्ट सिखा देंगे। अप्रोच क्या है, केवल थ्योरेटिकल वाइज ही आपको पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिकल आप लोगों को करने का मौका मिलता है? आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके उसका एग्जीक्यूशन भी समझाया जाता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है? जैसे काफ़ी सारे कॉलेज में होता है कि केवल प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, कहीं थ्योरी नहीं देते हैं, कहीं थ्योरी देते हैं तो कहीं प्रैक्टिकल नहीं देते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। जैसे मतलब इनकी स्पेशल क्लास होती है, थ्योरी की अलग, प्रैक्टिकल की अलग। प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा कि जो मतलब थ्योरी में पढ़ाया जाएगा उसको पहले बताया जाएगा, और अदर से आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अदर से आपको कुछ भी बताया जाएगा। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस मिलती हैं एक हफ्ते में? लैब्स वगैरह कितने होते हैं? लैब 5-6 लैब होते हैं, मतलब एक हफ्ते में 5-6 लैब। और क्या सब्जेक्ट होता है? 2 आवर्स, 2 घंटे का एक लैब का। अच्छा जी। तो अभी जो कोडिंग सीखा है आप लोग, कोडिंग कर लेते हो कुछ कुछ, कोई प्रोग्राम वगैरह अभी कुछ देखा आप लोगों ने? डीट कोड वगैरह पे कुछ किया आपने कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, कंट्रीब्यूशन इतना नहीं किया, पर थोड़ा बहुत किया है। अच्छा, लीड कोड क्या होता है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते आप लोग? लीड कोड के बारे में बताया गया आप लोगों को? कोड होती है एक वेबसाइट जिस पे कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में? सकते हैं उसको। अच्छा, आपको पता है? आप लोगों को नहीं पता है लीड कोड के बारे में? अच्छा, फैकल्टीज वगैरह ने भी बताया नहीं आप लोगों को? ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह का क्या सिस्टम है यहाँ पे, कोई अप्रोच है यहाँ पे जो इंटर्नशिप कैंपस से मिलता हो? इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट की अभी सर ने भेजी थी ग्रुप में, किसी को अप्लाई करनी हो, और भी 2-3 कंपनी की इंटर्नशिप भेज चुके हैं। अच्छा। किसी को अप्लाई करनी हो तो भी चल रही है।
सॉफ्ट स्किल्स वगैरह के बारे में सिखाया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करना सब कुछ सिखाते हैं, और कई इवेंट्स होते हैं जिसमें हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी खुलता है। तो अभी जो इंडस्ट्री है उसका ये कंसर्न है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, जो लैंग्वेजेस अभी आउटडेट हो चुके हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है, और इंडस्ट्री की डिमांड आज कुछ और है, जैसे AI आ गया है, ML आ गया है, जनरेटिव AI आ गया है, तो ये जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, इससे आप लोगों को फैमिलियराइज किया जा रहा है? हाँ, इससे तो मतलब फैमिलियराइज किया जा रहा है, जैसे कि टीचर भी बता रहे हैं कि आज के मतलब जो एरा चल रहा है उसमें AI की और ML की डिमांड ज़्यादा है, तो मतलब हमारे जो सिलेबस को है उसके अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, और टीचर भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। कुछ चेंजेस बताओ कि क्या चेंजेस हुए हैं? जैसे कि HTML में पहले मतलब थोड़ा लोड मतलब चल के पढ़ाते थे, जैसे कि आपको कोडिंग कराते थे तो साथ में बताते थे बस सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सब्जेक्ट का वो हो गया तो एक टॉपिक का ये हो गया तो इसका प्रैक्टिकल करा दिया बस, उससे अलग हट के मतलब कुछ बताते भी नहीं थे। तो अभी हमारे मतलब हमारे अकॉर्डिंग जब हमारी बैच आई तो हमारे को मतलब कुछ अलग बताया गया, जैसे कि आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक का भी बताया गया, उस टॉपिक का कोड रन करा के दिखाया गया, उस टॉपिक का कोड मतलब एक एक बच्चे को समझाया गया, फिर अलग से जो कोडिंग होगी आपको अगर मन है तो आप अलग से कर सकते हैं, सर से पूछ भी सकते हैं, और फिर आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप स्पेशली फैकल्टी को बुला के फिर भी पूछ सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर भी पूछे, जितना बार मन करे उतना बार पूछे, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कॉलेज में। फैकल्टी अप्रोचेबल हैं आप कह रहे हो। प्लेसमेंट्स का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा, कुछ पता है आप लोगों को? अभी तो इस साल 35 गया है प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 लाख रुपीस का। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? एक करोड़ के लगभग। एक करोड़ का? जी। कहाँ पे एक करोड़ का प्लेसमेंट? इस बार का 35 गया है। अच्छा, मतलब वो तो पहले उसका तो हमें नॉलेज नहीं है कि क्या सच है क्या सच नहीं है, तो अभी का पता है अभी। तो मीडियम प्लेसमेंट या एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा होगा? मीडियम प्लेसमेंट तो आपकी 45-50 के आसपास में है। मतलब क्या 45-50 लाख? लाख, हाँ जी। मीडियम प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो 35 लाख हाईएस्ट हो गए तो मीडियम लाख 45 लाख कैसे हो जाएगा? 35 लाख मतलब इस बार गई है, अभी कंपनी आ ही रही है, इसके बेसिस पे मतलब 35 लाख रुपए मीडियम का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मीडियम मतलब 50% स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा और 50% को उससे कम, तो 35 लाख रुपए मीडियम समझ रहे हो, IITs में भी नहीं मिलता इतना। 35 लाख रुपए अभी गई है पैकेज, अभी कंपनी आ ही रही है रिक्रूटमेंट के लिए, अभी आएगी मतलब पूरा डेटा एनालिसिस होगा उसके बाद आपको पता चल। आपको पता है एवरेज या मीडियम प्लेसमेंट क्या है? एवरेज प्लेसमेंट 8-9 लाख है। 8-9 लाख रुपए, श्योर हो आप? 8-9 लाख रुपए? तो डेटा आप लोगों को दिया गया था 8-9 लाख के करीब काम? डेटा जब आए थे तब इन्होंने दिया था डेटा, पूरा कंप्लीट बैच का दिया था। सीनियर से भी मिले हैं काफ़ी, तो उन्होंने बताई हैं, और मतलब कंपनीज तो आती हैं, आप जितनी प्लेसमेंट निकाल सकते हो निकाल लो, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। स्टूडेंट के ऊपर तो डिपेंड करता है, बट कैंपस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है ना, कि आपको राइट स्किल सेट्स मिलेंगे तो ही आप प्लेसमेंट ले पाओगे। प्लेसमेंट में कन्फ्यूज़न है कुछ, ठीक है, अब मुझे ये समझा दो आप ज़रा कि कैंपस लाइफ कैसी है, फेस्ट वगैरह होता है यहाँ पे? हाल ही में कौन सा फेस्ट हुआ था? अभी युवा फेस्ट 2020 हो रहा है। कोई सेलिब्रिटी वगैरह आया होता है यहाँ पे? नेहा कक्कर जी आई थी, और उनके साथ में आए थे रोहनप्रीत सिंह और विजय जैमर्स और जूलिया ब्लिस आई थी। कैंपस लाइफ ठीक है यहाँ? बढ़िया, इंजॉयमेंट है। तो आप लोग खुश हो अपने कैंपस से? जी, कैंपस लेके बढ़िया है। वैसे कोडिंग वगैरह कर लेते हो आप? हाँ, कर लेते हो सच्ची में? बस ऐसी भी कॉलेज हवा। अच्छा, 75% का क्राइटेरिया है अटेंडेंस का। हाँ, तो कई कॉलेज में होता है 75 क्राइटेरिया, तो उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें अलग से कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे 75% क्राइटेरिया है वो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर बच्चा यहाँ पे आएगा तो प्लेसमेंट ठीक ठाक लग जाएगी। अगर अच्छा, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट एडमिशन किसी को भी मिल जाता है? एडमिशन तो डायरेक्ट भी मिलता है, रैंक बेसिस पे भी मिलता है। दोनों कैसे हो सकता है? जिसका डायरेक्ट अगर एडमिशन मिल रहा है तो रैंक का क्या मतलब रह गया? डिस्काउंट मिलता है रैंक पे, डिस्काउंट मिलता है। प्लस जो आपका 10th और 12th में मार्क्स के बेसिस पे है उस पे भी डिस्काउंट मिलता है आपको। प्लस आपका वैसे अगर किसी का कम से कम कितना परसेंटेज है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट? कम से कम आपका 65%। श्योर हो आपकी 65%? 65%।
60-65% अगर है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा, कोई एंट्रेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सीधे आप फी डिपॉजिट करके एडमिशन ले लीजिए। तो आपको लगता है ये सही तरीका है एडमिशन देने का, कोई एंट्रेंस एग्जाम रखना चाहिए ताकि कोई सीरियस कैंडिडेट हो वही आए? आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? मेरे को तो ऐसे तो मतलब कुछ भी नहीं लगता, मेरे को तो ठीक भी है गलत भी है। ये आपका राय क्या है? ठीक ही है, अगर कोई ट्वेल्थ में सही से नहीं पढ़ा तो वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है ऐसे कॉलेज में आके, तो सही भी है एक तरीके से और गलत भी हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि अगर किसी का क्लास ट्वेल्थ में बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई नहीं की हुई है उसको एक दोबारा मौका मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हो? ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहोगे आप लोग अपने कैंपस के बारे में? नहीं, कैंपस तो सही है बस। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको अपने कैंपस के बारे में? सबसे क्या अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी है, सब अच्छा। आपको? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का। आपको? कॉलेज का जैसे आपको पहले तो मैं आया था तो पहले तो फ्रंट व्यू ही देखा था, फ्रंट व्यू से मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अंदर से क्या होगा, फिर अंदर जाके देखा तो मतलब इसका कैफेटेरिया अच्छा है, आपको मतलब खाने पीने की भी मतलब जो फूड कोर्ट्स है वो भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल की सुविधा भी है इसमें, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगी, आप अंदर जाके भी देख सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है अपने कैंपस? टीचर अप्रोचेबल है, अगर कोई टीचर दूसरे सेक्शन में पढ़ा रहे हैं तो आप उससे भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं तो वो मना नहीं करेगा। स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ है यहाँ पे फैसिलिटी? हाँ, स्पोर्ट्स के तो इवेंट्स होते रहते हैं, अभी फुटबॉल्स के हो रहे थे और भी होते रहते हैं इवेंट्स तो बहुत होते हैं। आप लोग सेटिस्फाइड हो कैंपस से? सेटिस्फाइड हो आप लोग? ठीक है, कोशिश की हमने इनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की। देखो, एडमिशन आप तभी लेना किसी भी कैंपस में, केवल इसी कैंपस की बात नहीं है, चूँकि यही बात है, हाल सभी कैंपसेस का सेम है, डेटा ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल कराया जाए, ट्रांसपेरेंसी ले आई जाए, इसी वजह से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कॉलेज टू कॉलेज जाके। एडमिशन लेने से पहले बेसिक चीज़ें आप पूछ लो, जैसा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, फैकल्टी की कंप्लीट डिटेल्स मांगो आप, प्लेसमेंट की डिटेल्स मांगो आप, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ये पूछो आप, और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मांगो आप, ये नहीं केवल वर्बल कमिटमेंट, किसी ने कुछ बोल दिया आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, मतलब बहुत डिस्क्रिपेंसी है, कोई कुछ बता रहा है प्लेसमेंट का, कोई कुछ बता रहा है, और केवल बात इसी कैंपस की नहीं है, मैक्सिमम कैंपसेस में इंडिया का हाल यही है। एक ही तरीका है, आप डेटा मांगना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप जब तक प्रोएक्टिवली डेटा नहीं मांगोगे और डेटा के बेसिस पर डिसीजन नहीं लोगे तब तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। कोशिश की हमने यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करने की, जो भी आंसर्स थे थ्रू आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसा कैंपस है। इसके बावजूद अगर आपको लगता होगा कुछ डाउट्स रह गए हैं जो अनआंसर्ड रह गए तो आप रीच आउट कर सकते हो, कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ किसी नए कॉलेज रिव्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।